Oh, welcome to the session. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मूल कॉन्सेप्ट डेट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास इवन इन केस ऑफ आयन वी कैन कॉल इट द ग्राम आयनिक मास अगर अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ कार्बन है सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप वॉटर को ले लो और थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप ऑक्सीजन आयन को ले लो अगर अपन केमिकल स्पीसीज की बात करें तो एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन से अपने को डील करना है मैंने एक एक एग्जाम्पल सबके ले लिए हैं अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ ज़रा देखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है ये एटम है ये मॉलिक्यूल है और ये आपका आयन है अब मेरे को एक बात पता है इवन अपने जूनियर क्लासेज में भी पता है नाइन्थ क्लास से ये पता है कि मैं किसी का भी एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकता हूँ जो कि ए एम यू के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है तो अगर कार्बन की बात करें तो क्या हम बोलते हैं कि कार्बन के लिए जो अटोमिक मास है कार्बन के लिए जो अटोमिक मास है वो कितना आता है ट्वेल्व ए एम यू राइट वाटर के लिए फिर ये चूँकि मॉलिक्यूल है तो हमें बोलना पड़ता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर मास डिफाइन होगा और मॉलिकुलर मास अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मैथेमेटिकली रिप्रेजेंटेशन से डैट इज एटीन एएमयू एम यू एंड देन अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में जो अपना आयोनिक मास है ऑक्सीजन के केस में जो अपना आयोनिक मास है डैट इज एक्चुअली जस्ट बिकॉज ये आयन है तो चार्ज के आने जाने से मास पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है तो ऑक्सीजन के लिए 16 तो आयन के लिए भी ये 16 ही होगा नाउ द वेरी सिंपल थिंग इज कि अगर मैं एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास या आयनिक मास की बात करूं, तो ये सिंपली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है ये मैथमेटिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है वेदर वी टॉक अबाउट ऐटम मोलिक्यूल्स और आयंस बट स्टूडेंट्स द पॉइंट इज डैट कि आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जब अपने को एटोमिक मास मॉलिकुलर मास और आइनिक मास मिल जाता है तो क्या ये ग्राम से रिलेटेड है क्या मैं आज के टाइम पे इनमें से किसी भी मास को ग्राम लिख सकता हूँ क्या सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये समझ लेते हैं कि कभी भी आप 12 ए को 12 ग्राम के इक्वल तो नहीं ही कहेंगे क्योंकि ग्राम और ए में बहुत डिफरेंट है हमें बहुत ही सिंपल वे में पता चल रहा है कि ए एम यू इज़ नथिंग जस्ट आपने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम लिया है उसके आगे आपने एटॉमिक मास यूनिट लगा दिया और ग्राम क्या है ग्राम वही है जो अपन डे टू डे लाइफ में मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं जिस यूनिट का वो ग्राम है तो मेरे को अगर किसी का किसी एटम या मॉलिक्यूल का मास या उसके वेट की बात करें वो अगर फील करना है तो डेफिनेटली हमें किस में जाना पड़ेगा हमें ग्राम में जाना पड़ेगा लेकिन आज के टाइम पे अभी हमारे पास फ़िलहाल क्या है कि मैं ए में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आज के सेशन में मेनली अपने को यही समझना है कि हाउ दिस ए एम यू इज गोइंग टू रिलेटेड विद द ग्राम और जैसे ही आप इसको रिलेट करना सीख जाते हैं तो आपको मोल का ऑलमोस्ट एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ए और ग्राम को रिलेट करने से तो देखिए इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी पहले मैं इसको फर्स्ट पॉइंट तो समझ गया कि ट्वेल्व ए एम यू को ट्वेल्व ग्राम तो नहीं कह सकते फिर भी अगर अपन जानबूझ के ऐसा करें अगर अपन जानबूझ के ऐसा करें कि चलो एक काम करते हैं आज इस 12 ए को 12 ग्राम बोल देते हैं या फिर इस 18 ए को 18 ग्राम बोल देते हैं या फिर इस 16 एम को 16 ग्राम बोल देते हैं जो अपन बोल नहीं सकते तो इन डायट केस क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स इन डैट केस क्या करना पड़ेगा कि अब आप इसको अटोमिक मास की जगह अब आप इसको एटॉमिक मास की जगह बोलने लगेंगे ग्राम एटॉमिक मास अब आप इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ये मोलेकुलर मास की जगह क्या बोलेंगे आप इसको ग्राम मोलेक्युलर मास ग्राम मोलेकुलर मास और आयनिक मास की जगह क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे ग्राम आयोनिक मास सो थिंग इज डैट कि अगर आपने किसी भी एटॉमिक मास को किसी भी एटम के लिए जो उसका एटॉमिक मास है अगर आपने उसको ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस करा तो डैट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास अगर आपने किसी मोलिकुलर मास को ग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जबकि मोलिकुलर मास एम के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है डैट वी ऑल आर अवेयर बट अगर अपन ने उसको ग्राम के टर्म्स में कंपेयर करा तो उसको फिर क्या बोलेंगे फिर ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे तो आज अगर मेरे से कोई ये बात पूछता है कि एच टू एस ओ फोर के लिए अगर मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन दूँ क्या है वो दो इन्फॉर्मेशन एक तरफ अगर मैंने लिखा है नाइन्टी एट एम यू एंड यू आर अवेयर कि नाइन्टी एट ए एम यू आप फाइंड आउट कैसे करते हैं एंड एक तरफ अगर मैं लिखता हूँ एग्जैक्टली exactly वही नंबर नाइन्टी एट बट यहाँ ग्राम लगा देता हूँ सो वॉट द डिफरेंस द डिफरेंस इज कि दिस पार्टिकुलर विल रिप्रजेंट द मॉलिकुलर मास मोलिकुलर मास और यू कैन से द मोलिकुलर वेट और यू कैन से द मोलर मास राइट मोलिकुलर मास मोलिकुलर वेट और मोलर मास लेकिन अगर यही H2SO4 के लिए नाइन्टी ग्राम आपने लिख दिया तो 98 ग्राम एक क्वांटिटी को एक अमाउंट को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है एट द सेम टाइम इस 98 ग्राम को टेक्निकली क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर वेट और ग्राम मोलर मास ये पहले हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए ये बात ओके okay? अभी देखिए अगर अब बात करते हैं कि ये ए एंड ग्राम को ऐसे रिलेट करके अपने को क्या फायदा हो रहा है तो एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझ लेना है अगर आपने एच टू ओ के लिए आज 18 ग्राम लिखा है तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 18 ग्राम को हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास बोला करेंगे बट क्या वाटर का अमाउंट सिर्फ 18 ग्राम ही हो सकता है क्या नहीं वाटर का अमाउंट अगर, अगर अपन चाहें तो 36 ग्राम भी ले सकते हैं वाटर का अमाउंट अगर चाहें तो 54 ग्राम भी ले सकते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीपल में आप लो ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मल्टीपल में लो आप एक्चुअली उसको कोई सा भी अमाउंट ले सकते हैं लेकिन मैंने मल्टीपल में इसलिए लिया है ताकि आपको क्विकली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एटीन ग्राम क्या ग्राम मोलिकुलर मास है यस yes. 18 ग्राम इज द ग्राम मोलिकुलर मास तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है इसलिए अपन एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स तो अगर 18 ग्राम आपके पास है तो हम लोग समझ गए कि ये वन ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल वन थर्टी सिक्स ग्राम के लिए नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल टू फिफ्टी फोर के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज थ्री तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जहां पर वो आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर नंबर ऑफ ऑफ ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल्स और आइटम्स पूछता है ठीक है अब अगर चाहें तो इसको एक फॉर्मूला का सेप भी दे सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आपने कैसे निकाला है गिवन क्वांटिटी बाय इसका मोलिकुलर मास फिर गिवन क्वांटिटी बाय इसका मोलिकुलर मास गिवन क्वांटिटी बाय इसका मोलिकुलर मास ऐसे करके हमने क्या किया नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल्स निकाल लिया मॉलिक्यूल के केस में निकाल लेंगे इवन एटम के केस में भी निकाल लेंगे इसमें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज हमें ये समझ में आया कि ए एम यू ग्राम तो नहीं है बट अगर मैंने ए एम यू वाले नंबर जो भी उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसको अगर ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया तो टेक्निकली नाउ डैट विल बी नोन एज वॉट द ग्राम मॉलिक्यूल्स

आंसर इज़ वेरी सिंपल कि येस वी कैन रिलेट वैसे तो अगर अपन चाहें तो इसको फुल्ली प्रोटोन के मास और न्यूट्रॉन के मास को लेकर डिराइव कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर वन ए एम यू आपके पास है कोई भी यूनिट वन एम यू अगर आपके पास अमाउंट है तो वन ए एम यू के लिए आप सीधा बोल देंगे वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये रिलेशन है हमारे एम यू का और ग्राम का वन एम यू जो होगा वो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम होगा अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट निकल के आएगा आइए ज़रा समझते हैं मेरा कहना है कि अगर एक एटम कार्बन है और कार्बन का मास अगर अपने पास ट्वेल्व एम यू है वन ए एम यू कितना ग्राम होता है वन ए एम यू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम होता है तो ट्वेल्व amu एम यू के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दी माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि एक कार्बन एटम का जो अटोमिक मास है एक कार्बन एटम का जो अटोमिक मास है वो कितना है ट्वेल्व amu एम यू है लेकिन एक कार्बन एटम का लिटरली जो वेट है ग्राम के टर्म्स में जो उसका अमाउंट है ग्राम के टर्म्स में और वी कैन से कि जो इसका मास है मास इन ग्राम वो मेरे को इतना पता चल गया तो इसका मतलब मैं आज ऑक्सीजन के लिए भी ये बात लिख सकता था कि अगर ये 16 एम है तो ये ग्राम कितना है तो 16 इंटू दिस नंबर 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी आज मैं किसी मॉलिक्यूल जैसे कि एच के लिए भी लिख सकता था कि भाई अगर इसका मास मास 18 AMU है डिफाइन होगा तो ये मोलिकुलर मासनस ट्वेंटी फोर ग्राम होगा आयन के लिए भी लिख सकता हूं तो मुझे आज ये पता चला कि अगर मैं एक कार्बन आइटम को वेट करके देखूं डिजिटल वेइंग स्केल पे तो वो इतने ग्राम का होगा एक ऑक्सीजन इतने ग्राम का होगा ये वही ग्राम है जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर पा रहे हैं रिलेट कर रहे हैं आज ए एम यू को ग्राम के साथ ठीक है अब इसमें यहाँ से मोल की तरफ पहुँचने अब जब आप ए एम यू और ग्राम में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो मोल में पहुँचना बहुत आसान हो जाता है आइए समझते हैं कैसे देखिए कार्बन के लिए आप आज तो समझ गए कि कार्बन के लिए वन एटम अगर आप कंसीडर करते हैं कार्बन का तो मास हो जाएगा 12 इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी ग्राम ये होगा क्या बिल्कुल कितने एटम के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात है ये वन एटम कार्बन के लिए एकदम सिंगल एक एटम कार्बन को उठा के देखेंगे इतना भारी होगा वो ना अगर मैं कार्बन के लिए आपको बोलूं कि अब इतने ग्राम के लिए नहीं आप मुझे बताओ 12 ग्राम के लिए कितने को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो 12 ग्राम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे बोलेंगे इतना ग्राम वन एटम का मास है तो 12 ग्राम कितना एटम का मास होगा तो वन बाय दिस वैल्यू ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू से अगर यही कहानी मुझे रिपीट करना हो ऑक्सीजन के लिए तो पहले तो ऑक्सीजन का मास लिख देता हूँ सिक्सटीन इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये मैंने क्या किया एक एटम ऑक्सीजन के लिए लिख दिया बट मैंने फिर पूछ दिया आपको कि नहीं आप मुझे बताओ अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो कितने सारे एटम्स लेने पड़ेंगे कितने सारे एटम्स को एक डब्बे में डालना पड़ेगा ताकि वो 16 ग्राम हो जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि दिस इज़ 1 बाई सिक्सटीन इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटीन ये होगा क्या वाटर के लिए अगर बात करें तो वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा फिर एटीन आ जाएगा यहाँ पे एटीन यहाँ पे एटीन एस टू एस ओ फोर की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 98, एट यहाँ पे 98. एट मतलब आप चाहे कोई सा भी एटम कोई सा भी मॉलिक्यूल कोई सा भी आयन ले लो आपने क्या फील करा आपने क्या फील करा आपने ये देखा कि अगर मैं अगर मैं किसी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसके ग्राम एटॉमिक मास इसको ग्राम एटॉमिक मास बोला था ना आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको आपने ग्राम एटॉमिक मास बोला था तो अगर आप उसके ग्राम एटॉमिक मास के जितना अमाउंट चाहते हैं अगर आप उसके ग्राम एटॉमिक मास के जितना अमाउंट चाहते हैं तो आपको हर बार सेम क्वांटिटी लेना पड़ता है हर बार सेम क्वांटिटी लेना पड़ता है देखिए यहाँ पे 12 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ 16 16 कैंसिल हो जाएगा वाटर के केस में 18 18 कैंसिल हो जाएगा एस टू के केस में नाइन्टी एट कैंसिल हो जाएगा एंड ईच एंड एवरी टाइम वॉट यू आर गोइंग टू गेट द नंबर 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री जिसको अपन बोलते हैं अवागार्डरोज नंबर और एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का अगर आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास के जितना क्वांटिटी चाहते हैं जितना अमाउंट चाहते हैं तो आपको कितने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे वो आपको क्लियर हो गया आज ये जो क्वांटिटी है इसी को अपन ने क्या बोला है वन मोल बोला है मतलब जैसे आप आज से पहले एक डजन में बोला करते थे कि सर ट्वेल्व होता है या आप बोला करते थे एक पेयर में टू होता है आज के बाद से चूंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी से डील करने पड़ते हैं बड़े नंबर से डील करने पड़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने कहा कि ये जो नंबर अब आज के बाद दिखेगा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री दिस इज नथिंग बट वन मोल दिस इज नथिंग बट वन मोल वन मोल सो इतने क्वांटिटी का जो मास होता है किसी एटम या मॉलिक्यूल या आयन का उसी को वन मोल कहते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वन मोल इज़ डैट क्वांटिटी वन मोल दिस नंबर इज़ डैट क्वांटिटी विच कंटेन्स द अमाउंट विच इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ बिना किसी कन्फ्यूजन के तो मोल के लिए आज मैं एक बात सिंपली बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास वन मोल कार्बन है अगर आपके पास वन मोल कार्बन है इट सिंपली मीन्स इट सिंपली मीन्स कि आपके पास 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री कार्बनस है इतने सारे कार्बन हैं चूंकि कार्बन आइटम है तो इतने सारे कार्बन एटम्स हैं और ये कितने के बराबर है ये कितने के इक्वल है ये बोलेंगे कि सर ये ट्वेल्व ग्राम के इक्वल है क्या ये सिर्फ कार्बन आइटम्स के लिए मोल का यूज होगा नहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वन मोल बुक्स हैं इसका मतलब क्या हुआ इतने सारे बुक्स हैं अगर आपके पास वन मोल कार है तो इतने सारे कार्स हैं आपका अगर बैंक बैलेंस वन मोल है तो मतलब इतना सारा बैंक बैलेंस है आपके पास तो so, कभी भी अगर क्वांटिटी ये दिख जाए क्वांटिटी अगर ये दिख जाए तो आप उसको आज के बाद से मोल बोल सकते हो अगर ये 3.01 पॉइंट जीरो वन इंटू द पावर ट्वेंटी थ्री है तो आप फ्रेंकली उसको हाफ मोल बोल देंगे अब देखिए कार्बन एटम के लिए मेरे को दो चीज़ें रिलेट हो गई एक तरफ क्वांटिटी है और एक तरफ आप कह सकते हैं अमाउंट है एक तरफ आपके पास क्वांटिटी है और एक तरफ अपने पास अमाउंट है ये काउंटिंग है वन एटम टू एटम थ्री एटम लेकिन ग्राम में आप उसको वैसे थोड़ी बोलते हैं वन ग्राम टू ग्राम ये अमाउंट है इसको मेजर करना पड़ेगा और ये क्वांटिटी है जिसको काउंट करना पड़ेगा तो मोल के दो अप्रोच लेके हमें चलना है मोल के दो अप्रोच लेके चलना है क्या अप्रोच है हमारा एक तरफ अगर आपके पास अमाउंट है यानी कि मास इन ग्राम है और दूसरी तरफ क्वांटिटी है तो अगर वो मोल हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है मास इन ग्राम या फिर क्वांटिटी देके तो हम फार्मूला आराम से बना सकते हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा ज़रा समझिए देखिए यहाँ पे 12 ग्राम है अगर 24 ग्राम करूँगा तो ऑटोमेटिकली सब डबल हो जाएगा टू मोल कार्बन के लिए 24 ग्राम थ्री मोल कार्बन के लिए थर्टी ग्राम नहीं सो so, आज के टाइम पर हम ये बात बोल सकते हैं आराम से कि अगर मैं मास और क्वांटिटी के टर्म्स में फॉर्मूला देना चाहूं, तो पहला फॉर्मूला जो मेरा आ जाएगा वो क्या आएगा वो आ जाएगा मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी जो भी गिवन क्वांटिटी है बाय एन ए जो भी गिवन नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन ए वो मोल हो जाएगा किसी ने आपको बोला कि एक पैकेट है उसमें थर्टी सिक्स बनानाज हैं तो कितने डजन हैं तो आपने तुरंत बोल दिया थ्री डजन हैं। ये कैसे पता चला आपने थर्टी सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड करा है तो वैसे ही अगर वो बोलता कि वो जो थर्टी सिक्स बनानाज हैं उनको आप मोल के टर्म्स में बताओ तो थर्टी सिक्स को किससे डिवाइड करते अव नंबर से ठीक है सेकेंड अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मोल का हो जाएगा ग्राम के टर्म्स में और ग्राम के टर्म्स में क्या होगा फिर से रिकॉल करते हैं अगर 12 ग्राम है तो वन मोल तो अगर 24 ग्राम है तो टू मोल कैसे पता चला आपने 24 को इसके एटॉमिक मास मास से डिवाइड करा है सो so, मोल इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं कि मास इन ग्राम जब भी क्वेश्चन में ग्राम दिखा अपन ये लगा देंगे मास इन ग्राम बाई मोलर मास मोलर मास बोल देने से फायदा ये है कि ये मोलर मास सारी चीजों को कंक्लूड कर लिया आपने अंदर इंक्लूड कर लिया एटॉमिक मास को भी मोलिकुलर मास को भी आइनिक मास को भी तो अगर आपके किसी ने कहा कि तुम्हारे पास एट ग्राम ऑक्सीजन है तो क्या यहाँ हम क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या नहीं ये क्वांटिटी नहीं है ये तो अमाउंट है तो मोल बताइए मोल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मास इन ग्राम बाय इसका ये चूंकि ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो 8 बाई सिक्सटीन करेंगे 1 बाई टू आ जाएगा अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करता तो 8 बाई थर्टी करते क्लियर यहीं अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम की जगह वो बोलता 8 ऑक्सीजन एटम तो क्या अब ये ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं अब ग्राम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे क्वांटिटी का फॉर्मूला तो मूल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स बाई एन ए नंबर ऑफ एटम्स एट बाई एन ए आ गया सो so, इन दो फॉर्मूलाज का मेनली ज़्यादा यूज अपने को होता है वैसे मूल के और भी फॉर्मूलाज हैं मोलैरिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन से भी डिराइव करेंगे बट अभी के लिए फिलहाल इन दो फॉर्मूलाज पे अपन फोकस करेंगे और देखते हैं कि इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हुए हैं ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है और ये आपको स्टूडेंट ये आपका आई एडवांस का क्वेश्चन है जो टू टू में आया हुआ था हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट वन किलोग्राम मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है मोल के बेसिक बात को समझने के लिए ये कह रहा है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लें इसने ये नहीं कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लें इसने कहा कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लें कि उसका वेट वन के जी हो जाए कि उसका वेट वन के जी हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे कि यार इसके लिए पहले मेरे को इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए और ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन में बोला है तो के में ले लिया मैंने इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास अब देखिए मैं बोल सकता हूँ कि 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन ये मास है वन इलेक्ट्रॉन का ये मास है वन इलेक्ट्रॉन का तो अगर मुझे वन के जी इलेक्ट्रॉन चाहिए ये अमाउंट बहुत कम है टेन टू दावर माइनस थर्टी वन वन के जी अगर चाहिए तो मुझे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे वन बाई नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने एक पैकेट में डाल दिया तो वो एक के जी आपको दे देगा वही के जी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं नाउ द थिंग इज इसने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा अगर वो पूछता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वेट वन किलोग्राम तो हम आंसर ये देते बट उसने क्या पूछा उसने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट वन किलोग्राम तो मोल के टर्म्स में निकाल दीजिए इट इज़ सिंपली लाइक कि नंबर ऑफ़ बनानाज एंड नंबर ऑफ बनानाज इन टर्म्स ऑफ डजन तो यहाँ पे मोल के टर्म्स में पूछा है तो हम बोलेंगे कि मोल इज इक्वल टू जो भी क्वांटिटी आपके पास है गिवन क्वांटिटी बाय अवगाड्रो नंबर तो क्वांटिटी हमारे पास क्या है पावर माइनस थर्टी वन और इसको डिवाइड करना पड़ेगा सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री जिसको कहते हैं अब ऑप्शन को देखिए कैलकुलेशन से पहले एग्जामिनेशन में ऑप्शन को देखिए कि क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या बिल्कुल जरूरत नहीं है ये नाइन पॉइंट ये रहा और आपके पास टेन टू दावर एट माइनस थर्टी वन एंड ये हो गया अपना ट्वेंटी थ्री तो माइनस एट ऊपर में जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ओके नाउ टाइप वन के क्वेश्चंस मैंने कुछ डाले हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड है डायरेक्टली फार्मूला पे बेस्ड देखिए और ये टू थाउजेंड टू में आया हुआ है जे ई मेन में ये जे मेन में, में आया हुआ क्वेश्चन है टू में देखिए अब क्या बोला इसने बोला कि नंबर ऑफ़ एटम्स बताओ इन 558.5 ग्राम आयरन और आयरन क्या है एटम के टर्म्स में ही है और नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एटम का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है लेकिन नंबर ऑफ एटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी नाउ यू आर अवेयर कि मोल इज इक्वल टू वॉट क्वांटिटी बाई एन और मैंने कब मना किया कि क्वांटिटी आप नंबर ऑफ एटम्स नहीं ले सकते मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी बाई एन यहाँ से इसको मोडिफाई करके एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या कि क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉट मोल इन टू एन ए मोल इन टू एन ए तो इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए किसी भी स्पिसीज के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए तो अगर मैं मोल फाइंड आउट कर लेता हूँ उसका वन नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँगा और क्या इस क्वेश्चन ने मुझे मोल फाइंड आउट करने के लिए कुछ डेटा दिया है बिल्कुल दिया है ये रहा और आप समझ गए कि ये ग्राम क्वांटिटी है तो मोल का फॉर्मूला लगाइए मोल का फॉर्मूला लगाइए मास इन ग्राम बाय मोलर मास यहाँ पे मोलर मास क्या है अटोमिक मास बिकॉज ए इज द एटम सो मास इन ग्राम 558.5 डिवाइडेड बाय इसका अटोमिक मास भी क्वेश्चन में हिंट में दे रखा है 55.85 फाइव पॉइंट एट फाइव टेन मोल्स आ गए अब जब टेन मोल्स आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो क्वान्टिटी इज कल टू मोल इंटू एन मतलब टेन इंटू एन अगर ये मॉलिक्यूल होता तो आज इस क्वांटिटी को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे होते अगर ये आयन होता तो आज इस क्वांटिटी को हम लोग नंबर ऑफ आयन बोल रहे होते फाइनली आंसर आ जाएगा 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर इतने सारे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे इसने क्या पूछा कि नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस इज ट्वाइस डैट इन सिक्सटी ग्राम कार्बन क्या सिक्सटी ग्राम कार्बन में जितने हैं उसका क्या डबल है देखना पड़ेगा अब मुझे ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 60 ग्राम कार्बन के लिए जो मोल आया वो आ गया 60 बाई ट्वेल्व मतलब 5 मोल्स और 5 मोल से एटम कैसे निकालेंगे मोल में एन से मल्टीप्लाई करके एटम निकालते हैं तो 5 एन नहीं ये 5 एन तो नहीं है ये तो 10 एन है तो बोला क्या ट्वाइस डेट इन 60 ग्राम कार्बन तो 60 ग्राम कार्बन में फाइव एन उसका डबल उसका डबल हो गया ये नहीं है बट अगर इसका डबल कर दें तो टेन एन ए होगा कि नहीं होगा सो आंसर ए वुड बी करेक्ट ओके नेक्स्ट वन बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स आप लोग जानते हैं कि जेई में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चनस आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देते हैं वो डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू वन से लेके नाइन के बीच में या ऐसे भी कोई नंबर आपको यहाँ पे पुटअप करना है ये बोल रहा है एक्स आपको फाइंड आउट करना है एक्स इन ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपको टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो एक्स बताइए क्या होगा देखिए सोडियम एट ग्राम दिया है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो मोल फाइंड आउट कर लो मास इन ग्राम बाई अटोमिक मास अटोमिक मास इज ट्वेंटी थ्री सोडियम के लिए अब इसने कहा नंबर ऑफ एटम्स अभी अभी हमने सीखा कि मोल के जस्ट बाद अगर हमसे कोई क्वांटिटी पूछ देता है इस जगह पे क्वांटिटी क्या है नंबर ऑफ एटम्स है इस जगह पे क्वांटिटी क्या है नंबर ऑफ एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा क्वांटिटी मोल इंटू एन एट बाई ट्वेंटी थ्री इंटू एन ए मतलब एट बाई ट्वेंटी थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन्होंने पूछा है और इसने कहा कि x इंटू ट्वेंट द पावर ट्वेंटी थ्री तो x यही दे देगा हमें इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली टू आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो x है आपका वो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा डेट वुड बी आवर आंसर ये भी आपका जेई मेन ट्वेंटी का क्वेश्चन नेक्स्ट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है कि किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मुझे वन बाई वन सारे ऑप्शन में वर्क करना पड़ेगा तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चन में वर्क करते हैं सेवन ग्राम नाइट्रोजन तो पहले मोल निकालो मोल कितना हो जाएगा इसका मोल हो जाएगा सेवन बाई एन टू के लिए ले रहे हैं एन का फोर्टीन होता है तो एन टू का ट्वेंटी एट हो जाएगा इसमें मोल निकालो टू है टू बाई एच टू टू इसमें मोल निकालो 16 बाई फिफ्टी सिक्स एन के लिए और इसमें मोल निकालो 16 बाई ओ है ओ के लिए 16 ओ के लिए 32 मोल निकल गया आप बोलोगे इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे पहले क्वांटिटी एटम को रिप्रेजेंट करता था क्योंकि एटम दे रखा होता था अब ये यहाँ से अगर आप क्वान्टिटी निकालेंगे अगर आप यहाँ से क्वान्टिटी निकालेंगे तो इन सब के केस में मॉलिक्यूल 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 दे देगा क्या आपको तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा क्वांटिटी मतलब इस जगह पे क्वांटिटी क्या है मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल्स है तो सेवन बाई टी एट इन टू एन ए टू बाई टू एन ए मतलब क्या हो गया एन ए हो गया और सिक्सटीन बाई फिफ्टी सिक्स एन ए को रहने दीजिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ये सिक्सटीन बाई थर्टी टू एन ए मतलब हाफ एन ए अब आपसे पूछा था मैक्सिमम किस में लिटरली दिख रहा है आपने को कि एन ए में है मतलब टू ग्राम ही हाइड्रोजन वुड बी द राइट आंसर तो अपन ने बैक टू बैक तीनों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वांटिटी का काम चल रहा रहा है। है अब अपने को ये बोल रहा है कि आप जीरो पॉइंट वन मोल ट्राई एटोमिक गैस में नंबर ऑफ एटम्स बताइए ट्राई एटोमिक गैस का मतलब है कि वो जो गैस एक्स है उसकी एटोमिसिटी थ्री है वो जो गैस एक्स है उसकी एटोमिसिटी थ्री है नाउ पहले मेरे को मोल फाइंड आउट करना पड़ता था क्योंकि ग्राम देते थे वो अब तो उन्होंने डायरेक्टली मोल दे दिया है जीरो पॉइंट वन मोल तो मैं बोलूँगा यार मोल दे दिया है तो क्यों ना क्वांटिटी निकाल लें क्वांटिटी निकाल लें क्वांटिटी क्या हो गया मोल इंटू एन ए यानी जीरो पॉइंट वन इंटू एन ए बट दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स इस बात को अभी ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करने लगा मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो थोड़ा अलर्ट रहना है जल्दीबाजी में जीरो पॉइंट वन इंटू एन ए नहीं बोल देंगे इसने बोला नंबर ऑफ एटम्स बताओ अगर इसने मॉलिक्यूल्स बोला होता तो अपन यहाँ पे आंसर दे चुके होते हैं इसने बोला नंबर ऑफ एटम्स बताओ कोई बात नहीं नंबर ऑफ एटम्स बता देते हैं क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका वन मॉलिक्यूल इसका वन मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेंट करता है थ्री एटम्स को कंटेंट करता है नहीं थ्री एटम्स को कंटेंट करता है एक में थ्री है तो टू में थ्री इंटू टू फाइव में थ्री इंटू फाइव तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे जीरो पॉइंट वन इंटू एने थ्री क्योंकि एक मॉलिक्यूल में तीन आइटम है तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इंटू थ्री करना पड़ेगा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट वन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री आ जाएगा इसको लेके आप आगे बढ़ोगे सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा वन पॉइंट एट जीरो सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके सो टुडे वी गॉट टू नो अबाउट द वेरी टू इंपॉर्टेंट मोस्ट फॉर्मूला फॉर द मोल एंड कहीं ना कहीं अपन ने फोर फाइव क्वेश्चन भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करा ओके सो लेट्स कंक्लूड द सेशन थैंक यू सो मच थैंक यू